मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा के शहर हैलीफैक्स में जंगलात में आतिशजदगी, 200 से ज्यादा मकानात और दीगर अमला मुतासिर। हुकाम का कहना है आग फैलनी नहीं है लेकिन खतरा बरकरार है। किसानों का डक फोर्ड हुकूमत पर हाउसिंग प्लान को तब्दील करने के लिए दबाव। हुकूमत की किसानों की तजावीज पर गौर करने की यकीन दहानी। किसानों का कहना है कि हुकूमत का हाउसिंग प्लान ज़रई ज़मीनों के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में कैनेडियन फौज के मददगार, कनाडा में बेयारों मददगार। कैनेडियन फौज में खिदमात सर अंजाम देने वाले अफगानियों का कैनेडियन हुकूमत पर इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम। हुकूमत के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। स्वीडन के नेटो इतिहाद में शामिल होने का वक्त आ गया। अमेरिका का तुर्किया पर नेटो में स्वीडन की शमूलियत मंजूर करने के लिए जोर। तुर्किया का कहना है कि स्वीडन ने मुहायदे में अपने तमाम वादे पूरे नहीं किए। रूस यूक्रेन जंग, रूसी दारुल हुकूमत मास्को पर पहली बार ड्रोन हमला। रूसी फौज की यूक्रेनी इलाके डोनेस्टिक पर शदीद गोलाबारी, दो अफराद हलाक। यूक्रेन ने ईरान के साथ 50 साल तक तिजारती सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के शहर हैलीफैक्स के शुमाल मग़रिब में जंगल की आग के इलाके का दौरा करने वाले एक मकामी अहलकार ने कहा है कि आग ने कम्युनिटी पर वाज़े असरात छोड़े हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर हैलीफैक्स के शुमाल मग़रिब में जंगल की आग के इलाके का दौरा करने वाले एक मकामी अहलकार ने कहा है कि आग ने कम्युनिटी पर वाज़े असरात छोड़े हैं। हुकाम का कहना है कि 200 से ज़ायद मकानात और दीगर अमलाक को नुकसान पहुँचा या तबाह हो गई हैं। तकरीबन 16,000 लोगों को हुक्म दिया गया है कि वो अपने हैलीफैक्स के इलाके के घर छोड़ दें, जिनमें से ज़्यादातर बंदरगाही शहर के मरकज से 30 मिनट की ड्राइव के अंदर हैं। हुकाम ने बुधर जुमेरात को गर्म हवादार मौसम और जुमे की रात तक जल्द से जल्द बारिश ना होने की तौसी की पेशगोई की वजह से मुमकिन तौर पर दोबारा आग लगने के बारे में तश्वीश का इजहार किया है। हैलीफैक्स की चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कैथी ओटोल ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि उसकी बेतरतीबी, किसी महल्ले से गुजरते हुए आप देख सकते हैं कि एक घर तबाह हो गया था और उसके साथ वाला घर ठीक था। दूसरी चीज़ जिसने मुझे मुतासिर किया वो वहाँ से लोगों का इनखला था। ओटोल ने कहा कि जब लोग इलाके में वापस आने के काबिल हो जाएंगे, पूरी कम्युनिटी की कोशिश करने और बहाली के लिए उसके जरिए कुछ मदद की जरूरत होगी। हुकाम का कहना है आग फैली नहीं है लेकिन खतरा बरकरार है। नोवा स्कॉटिया डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के डेविड स्टीविस ने कहा कि अमला मंगल के रोज धुएं और छोटी आग पर काबू पाने में मसरूफ रहा। वो ना सिर्फ आग बुझाने बल्कि कम्युनिटी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हैलीफैक्स फायर के डिप्टी चीफ डेविड मेल्ड्रम ने कहा कि अमला रात भर गर्म मकामात को बुझाने के लिए उस इलाके में रहेगा जो कि हेमेंट्स प्लेन्स, अपर टेनाल्टन और पॉक वॉक के मजाफाती इलाकों में तकरीबन 788 हेक्टर पर मुहित है। उन्होंने वसाइल फराहम करने पर हैंडस्पोर्ट और ब्रॉकलिन में फायर डिपार्टमेंट का शुक्रिया भी अदा किया। एक ब्रीफिंग के दौरान प्रीमियर टिम ह्यूस्टन ने कहा कि आप नोवा स्कॉटिया के जंगलात के अंदर तमाम सफ़र बशमूल पैदल सफ़र, माहीगीरी, कैंपिंग, सड़क से बाहर गाड़ियों का इस्तेमाल और सरगर्मियों पर सूबे भर में पाबंदी है।
किसानों के दबाव के तहत कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो की हुकूमत उन तजावीज से पीछे हटने पर गौर कर रही है जो सूबे की कम होती हुई खेतों की ज़मीन पर मजीद मकानात तामीर करने की इजाज़त देगी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। किसानों के दबाव के तहत कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो की हुकूमत उन तजावीज़ से पीछे हटने पर गौर कर रही है जो सूबे की कम होती हुई खेतों की ज़मीन पर मजीद मकानात तामीर करने की इजाज़त देगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक काश्तकारी और ज़राई ग्रुपों की एक रेंज के रहनुमाओं ने गुज़िश्ता हफ्ते आला सरकारी अहदेदारों से मुलाकात की ताकि सूबाई ज़मीन के इस्तेमाल की पॉलिसी में मुजवजा तब्दीलियों के बारे में अपने खदशात का इजहार किया जा सके, जिसके बारे में फॉर्ड और उसके वज़रा ने कहा है कि नए घर की तामीर को फ़रोग़ मिलेगा। मुतनाज़ा तजावीज़ हुकूमत की जानिब से ऑन्टेरियो की ज़मीन के इस्तेमाल के रहनुमा खतूत पर नज़रसानी का हिस्सा हैं जो गुज़िश्ता माह वज़ीर बल्दियात और हाउसिंग स्टीव क्लार्क ने पेश की थी। इस वक्त क्लार्क अपने मंसूबे को हाउसिंग फॉक्स्ड करार दिया और कहा कि ये शहरी और देही दोनों कम्युनिटीज़ में मजीद घर बनाएगा। पीर के रोज़ क्लार्क ने ऑन्टेरियो फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर को मिलने वाले खत में बताया कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर खदशात को सुना और वादा किया कि जो तब्दीलियाँ तजवीज़ करेंगे उनके मुतबादिल को तलाश करेंगे। काश्तकारों का कहना है कि जो तजावीज़ फ़िलहाल हैं उनमें प्राइम खेतों में लाखों घर बनाना मौजूद है। ये बहुत खौफनाक है कि शहरी लोग जो देही इलाकों में चले जाते हैं और उन्हें काश्तकारी के मसाइल से निमटना पड़ता है जिसके वो आदी नहीं हैं। ज़रात इस वक्त बेहतर काम करती है जब यह लोगों से कुछ दूर हो, ख़ास तौर पर वो लोग जो असल में शहरी माहौल से हैं और जो उन चीज़ों के आदी नहीं हैं। शुमारियात कनाडा के मुताबिक ऑन्टेरियो ने 2016 से 2021 तक के 5 साल के अरसे में 5,80,000 acres से ज़्यादा ज़रई ज़मीन खोदी है। अगर ये रफ्तार जारी रही तो 25 सालों में सूबे की 25% मौजूदा ज़रई ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। अफगानिस्तान में फ़ौज में खिदमत अंजाम देने वाले कैनेडियन अपने ख़ानदान के अफराद को तालिबान से बचाने में नाकामी पर कैनेडियन हुकूमत पर मुकदमा दायर कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में फ़ौज में खिदमत अंजाम देने वाले कैनेडियन अपने ख़ानदान के अफराद को तालिबान से बचाने में नाकामी पर कैनेडियन हुकूमत पर मुकदमा दायर कर रहे हैं और हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो यूक्रेनियों के मुकाबले में अफगानों के साथ इम्तियाजी सलूक का मुजाहरा कर रही है। वफाकी हुकूमत ने हाल ही में इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया कि अफगानिस्तान में ज़बान और सकाफती मुशीर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले कैनेडियन बाशिंदों के ख़ानदानों को तहफ़ फराहम किया जाए, लेकिन मयारात इतने महदूद हैं कि ये प्रोग्राम उन ख़ानदान के कुछ अफराद पर लागू नहीं होता जिन्हें अगस्त 2021 में तालिबान के कब्जे से कबल कैनेडा की फ़ौजी कोशिशों से ताल्लुक की वजह से धमकियां दी गई थीं। हुकूमत ने प्रिंसिपल दरख्वास्त दहिंदगान की तादाद 380 तक महदूद कर दी है। दो मुशीरों ने वफाकी अदालत में दरख्वास्त दायर की जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि हुकूमत ने 2022 में शुरू होने वाले रूसी हमले से फरार होने वाले यूक्रेनी बाशिंदों को 2021 में तालिबान के कब्जे से बचने की उम्मीद रखने वाले अफगानों के मुकाबले में बेहतरीन इमिग्रेशन फवायद फराहम किए हैं। हम तलाश कर रहे हैं कि यूक्रेन की पॉलिसी को हर उस शख्स तक बढ़ाया जाए जिसे उसकी ज़रूरत हो। मुशीरों की नुमाइंदगी करने वाले वकला का कहना है कि इसे न सिर्फ यूक्रेनी बल्कि जंग या इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की इसी तरह के हालात का सामना करने वाले किसी भी शख्स तक तौसी दी जाए। मुशीरान और उनके वकला ये भी चाहते हैं कि हुकूमत ये तस्लीम करे कि दोनों बहरानों के हवाले से मुख्तलिफ तरीकों से हुकूक और आज़ादी के चार्टर की खिलाफ वर्जी होती है। मुशीरों के अहले खाना अभी तक अफगानिस्तान और पड़ोसी ममालिक में फंसे हुए हैं। वफाकी हुकूमत ने अभी तक अदालत में दायर दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया है और इमिग्रेशन वजीर ने फौरी तौर पर तबसरे की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। कनाडा की हुकूमत ने अफगानिस्तान में मिशन के दौरान जबान और सकाफती मुशीर के तौर पर खिदमत अंजाम देने के लिए अफगान विरासत के हामिल 45 कैनेडियन शहरियों को भर्ती किया। उन्हें आला खुफिया सिक्योरिटी क्लियरेंस दी गई और उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर फौजियों के साथ मिलकर खिदमत की। उनके खानदान के कुछ अफराद को कैनेडियन फौज से रवाबित की वजह से तालिबान की तरफ से धमकियाँ दी गईं। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि शुमाली यूरोपीय मुल्क के इतिहाद में शामिल होने का अब वक्त आ गया है। अमरीका ने तुर्किया पर जोर दिया है कि वो नेटो में स्वीडन की शमूलियत की मंजूरी दे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि शुमाली यूरोपीय मुल्क के इतिहाद में शामिल होने का अब वक्त आ गया है। अमरीका ने तुर्किया पर जोर दिया है कि वो नेटो में स्वीडन की शमूलियत की मंजूरी दे। स्वीडन के वजीर आजम अलेफ क्रिस्टर्सन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि स्वीडन नेटो में शामिल होने का अहल हो गया है और उसने तुर्किया के जाय सिक्योरिटी खदशात को दूर करने के लिए
अहम इकदाम किए हैं। स्वीडन और हमसाया मुल्क फिनलैंड ने गुज़िश्ता साल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद नेटो की रुकनियत के लिए दरख्वास्त की थी और फिनलैंड ने गुज़िश्ता माह बाज़ाब्ता तौर पर इस इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन स्वीडन की दरख्वास्त अभी तक ज़ेर इल्तवा है। ब्लिंकन ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि अमरीका के नुक्ता नज़र से अब वक्त आ गया है कि स्वीडन के इल्हाक को हतमी शक्ल दी जाए। गुज़िश्ता साल जून में तुर्किया, स्वीडन और फिनलैंड ने कलदम मुसलह गिरोहों के बारे में अनकरा की शिकायत को दूर करने के लिए एक सैफरी की याददाश्त पर दस्तखत भी किए थे। ताहम तुर्किया का कहना है कि स्वीडन ने मुहैदे में अपने तमाम वादे पूरे नहीं किए हैं। हंगरी और तुर्किया ने स्वीडन के इल्हाक की तौसीक नहीं की, जबकि अनकरा को अहम रुकावट के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि तुर्किया ने स्वीडन पर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के अरकान को महफूज पनाहगाहें फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया है, जिसे वो एक दहशतगर्द ग्रुप तस्वुर करता है। ब्लिंकन ने कहा कि तुर्किया ने अहम और जायज़ खदशात का इजहार किया था। स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने इन खदशात को दूर किया और इस तरह अब आगे बढ़ने का वक्त है। उन्होंने कहा कि हम और हमारे इत्तेहादी स्वीडन की सलामती की ज़रूरियात को पूरा करने में मदद करने के लिए पुरअज़म है और अच्छी पोजिशन में है। क़तअ नज़र इसके कि इल्हाक कल हो या दो हफ्तों में या इसके बाद चंद हफ्तों में हो। दूसरी जानिब स्वीडन के वज़ीर आज़म क्रिस्टेंसन ने कहा कि उनका मुल्क सैफ अरीकी मेमोरेंडम के मुताबिक अपने तुर्क दोस्तों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा इस हकीकत को तस्लीम किया है कि नेटो के हर इत्तेहादी को अपना फैसला खुद करना होता है और तुर्किया के फैसले सिर्फ तुर्किया ही कर सकता है और हम इसका मुकम्मल एहतराम करते हैं। वाज़ेह रहे कि तुर्किया की हिमायत के बगैर स्वीडन नेटो इत्तेहाद में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि इत्तेहाद में शामिल तमाम ममालिक को मुतफिका तौर पर नए अराकीन की हिमायत करना होती है। गुज़िश्ता बरस से जारी रूस यूक्रेन जंग के दौरान पहली मरतबा रूसी दारुल हुकूमत मास्को पर ड्रोन हमला हुआ है। मास्को ड्रोन हमलों पर अमरीका का कहना है कि रूस के अंदर हमलों की हिमायत नहीं करते। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता बरस से जारी रूस यूक्रेन जंग के दौरान पहली मरतबा रूसी दारुल हुकूमत मास्को पर ड्रोन हमला हुआ है। मास्को ड्रोन हमलों पर अमेरिका का कहना है कि रूस के अंदर हमलों की हिमायत नहीं करते। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ड्रोन हमले पर अपने रद्देअमल में कहा कि यूक्रेन की जानिब से मास्को पर अब तक का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला रूस को खौफजदा करने और इश्तियाल दिलाने की एक कोशिश थी। रूसी दारुल हुकूमत के गिर्द फिजाई दिफा मजबूत बनाया जाएगा। इस हवाले से रूसी वजारत दिफा का कहना है कि मास्को पर होने वाला ड्रोन हमला यूक्रेन का दहशतगर्द हमला है। यूक्रेन ने मास्को को दहशतगर्द ड्रोन हमले का निशाना बनाया। हमले में 8 ड्रोन दागे गए और शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, लेकिन उन्हें या तो मार गिराया गया या खास इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स के जरिए उनका रुख मोड़ दिया गया। मास्को के मेयर का कहना है कि ड्रोन हमले में इमारतों को मामूली नुकसान हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ। व्हाइट हाउस का कहना था कि मास्को ड्रोन हमलों के बारे में मालूमात ले रहे हैं। अमरीका की तवज्जो यूक्रेन के खुद मुख्तार इलाके दोबारा हासिल करने में यूक्रेन की मदद करने पर है। दूसरी जानिब रूसी फौज ने यूक्रेन के इलाके डोनेस्टिक पर शदीद गोलाबारी की है, जिससे 2 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। रूस ने मगरबी इलाके में फौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया। रूस की जानिब से रात गए हमले किए गए, जिनमें से 29 ड्रोन्स और 37 मिजाइल्स को यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस ने मशरकी यूक्रेन के शहर डोनेस्टिक पर गोलाबारी की है। रूसी गोलाबारी से फ्रंट लाइन पर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। दूसरी जानिब जंग में रूस की मदद करने पर यूक्रेन ने ईरान के साथ 50 साल तक तजारती सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।